मधवापुर थाना क्षेत्र के बासकी चरौत एनएच 104 सड़क में बासकी चौक के पास मंगलवार की रात एलपीजी गैस सिलेंडर लदा अनियंत्रित ट्रक एक बुजुर्ग महिला को ठोकर मारकर खेत में पलट गया। ट्रक की ठोकर से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मृत महिला की पहचान बासकी गांव निवासी चंदन मंडल की 55 वर्षीय पत्नी अमृता देवी के रूप में बताए गए हैं। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर मधवापुर पुपरी व मधवापुर मधुबनी मुख्य सड़क में बासकी चौक पर मृत महिला के शव को रखकर जाम कर दिया। घटना की सूचना पर सुरक्षा बलों के साथ पहुंचे सीओ रामकुमार पासवान व थाना अध्यक्ष गया सिंह ने सड़क जाम कर रहे ग्रामीणों से वार्ता की, लेकिन ग्रामीण अधिकारियों की एक भी बात नहीं सुनी और मुआवजे की मांग कर पूरी रात सड़क को जाम रखा। रात भर अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों से मान मनोबल का दौर चलता रहा। इधर सड़क जाम के कारण सड़क के दोनों तरफ छोटी बड़ी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बुधवार की सुबह करीब 10 बजे घटना स्थल पर पहुंचे बीडीओ राजेश कुमार, मधवापुर सीओ रामकुमार पासवान एवं थाना अध्यक्ष गया सिंह ने स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों से घंटों वार्ता कर पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत 3,000 का तत्काल भुगतान करने एवं सरकारी मुआवजे की राशि शीघ्र दिलवाने व ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आश्वासन दिया। इसके बाद करीब 11 बजे ग्रामीणों ने सड़क जाम समाप्त कर दिया। 15 घंटे के बाद उक्त दोनों सड़क पर यातायात बहाल हो सका। जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात करीब 9 बजे बासकी चरौत एनएच 104 सड़क में बासकी चौक पश्चिम मोड़ पर मृत महिला टहल रही थी। अचानक चरौत की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एलपीजी गैस सिलेंडर लदा ट्रक अनियंत्रित हो महिला को रौंद दिया और खेत में जाकर पलट गया। ट्रक की ठोकर से बुजुर्ग महिला की मौत मौके पर हो गई। घटना के दौरान चौक पर मौजूद पुलिस ने भाग रहे ट्रक चालक को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। इधर घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने मधवापुर पुपरी एवं मधवापुर मधुबनी सड़क में बासकी चौक के पास मृत महिला का शव रखकर मुआवजे की मांग को लेकर जाम कर दिया। थाना अध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि ट्रक चालक मोतिहारी जिले के मधुबन गांव निवासी सीताराम भगत को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। वहीं सीओ रामकुमार पासवान ने कहा तत्काल संभवतः सहायता प्रदान किया गया है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले 5,00,000 मुआवजे के लिए पहल किया जाएगा। वार्ता में बीडीओ राजेश कुमार, सीओ रामकुमार पासवान, थाना अध्यक्ष गया सिंह, मुखिया आमनंदर कुमार उर्फ राजू राय, पैक्स अध्यक्ष राम दिनेश चौधरी, सरपंच जयनाथ कामत, ललन सिंह, भाजपा नेता अवधेश मिश्रा, सुरेश प्रसाद समेत अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे। कैसे आप देखें, कैसे घटना हुआ? जैसे हम घर कुर्सी को बैठे थे, आवाज हुआ तो मैंने आया दूर। उसमें मतलब पलट गया सीधा? हाँ, पलट गया। इसमें तो मैं आया। अच्छा, तो महिला मतलब कहाँ थी वहाँ पर जो मर गई है? कहाँ पर? वहाँ पर। तो फिर उसको कैसे उठा के ले गया? उठा के ले गया, चार लोग उठा के ले गया। ले गया। और ड्राइवर? फिर ड्राइवर थाना ले गया उठा के। ड्राइवर भी पकड़ा ले है। क्या बजे की घटना है ये? 8 बजे रात में। कल लगभग 8:30-9 बजे रात की घटना है। खाली सिलेंडर लेकर के गैस की गाड़ी आ रही थी चरौत से, और बासकी मेन चौक से पश्चिम एक टर्निंग है। उस टर्निंग पर कुछ औरत सब गई हुई थी टहलने के लिए। उसी क्रम में एक औरत को गाड़ी से दुर्घटना हुआ और एक औरत जख्मी हो गई। इसके बाद उस ट्रक पलटी हो गया, महिला की मौत हो गई। सड़क जाम भी था और पूरी रात सड़क जाम रहा। किस तरह से सड़क इसलिए जाम था कि रोड बन गया, अच्छा ब्रेकर की सुविधा है नहीं, और ग्रामीणों में आक्रोश था कि उस मृतका के पास कोई नहीं है। ग्रामीणों में आक्रोश था कि गरीब है औरत, दो प्राण तो जो कुछ भी सरकारी सहायता मिल जाए, पूरे ग्रामीण को उसको गरीबी देख करके उसके प्रति सहानुभूति थी। इसी के चलते ग्रामीणों ने पूरा अगल बगल के भी कुछ लोगों ने जो है सो अपना करके लाश रख करके सड़क जाम कर दिया। फिर पुनः सुबह में किस आश्वासन पर खोला गया जाम? यही बात रात से भी चल रही थी। हमारे आदरणीय बीडीओ साहब, सीओ साहब, थाना अध्यक्ष गया बाबू, सब के सब लोग आए थे। रात से भी वही वार्ता चल रही थी। लास्ट में आज अभी 11 बजे दिन में उसी वार्ता पर सरकारी सहायता पर जाम, पारिवारिक लाभ और इसके बाद मुखिया जी के द्वारा 3,000 रुपया कबीर अंत्येष्टि का दिया गया तो जाम खोल दिया जाम खुल गया।